अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जो हमारी आज की वीडियो है वो एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है उसके बारे से रिव्यू है। आज की इस वीडियो में हम एजिथ्रोमाइसिन कैप्सूल के हवाले से डिस्कस करेंगे। अवेलेबल फॉर्म ये कैप्सूल फॉर्म में मौजूद है और सिर्फ फॉर्म में मौजूद है, सिर्फ दो फॉर्म है जिनमें ये मिलती है। तो ब्रांड नेम की बात करें तो जो फेमस ब्रांड नेम है जिसमें एजोमैक्स, एजोटेक, मैक्रोबैक, प्लाजो, जीजोट, मैक्सीथ्रो, एजिथमा, तो ये इसके कुछ मशहूर ब्रांड नेम हैं। ये मेडिसिन 250 एंड 500 मिलीग्राम टेबलेट्स में मौजूद है और सिर्फ फॉर्म में 200 मिलीग्राम पर 5 ml एजिथ्रोमाइसिन मौजूद होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक एजिथ्रोमाइसिन जो कि एंटीबायोटिक है जो कि सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। किस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें दिस मेडिसिन यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, चाहे निमोनिया है, छाती का इन्फेक्शन है, खांसी है, चाहे जो भी मसला है, आप उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जल्द और अगर टिश्यू में कोई इन्फेक्शन हो जाए उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट ओटाइटिस मीडिया इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द ईयर। ओटाइटिस मीडिया यानी जो हमारे कान हैं उनके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, उनके अंदर पेन हो, कानों में दर्द हो, आप उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक में इस्तेमाल कर सकते हैं, नाक में अगर कोई दर्द हो, इन्फ्लामेशन हो, सूजन पड़ जाए। इस तरह जो स्पेशली इसको यूज़ किया जाता है थ्रोट में, यानी गले के इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। टॉन्सिलाइटिस जिसको बोलते हैं, अगर गले में टॉन्सिल्स वगैरह बढ़ जाएँ तो उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक कम्प्लीट एजिथ्रोमाइसिन है जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में खासतौर पर निमोनिया में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सिरप फॉर्म में इसकी अवेलेबल फॉर्म मौजूद है। बच्चों बड़ों में इसको टेबलेट्स फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन नॉट टू यूज़, कब इस्तेमाल नहीं करनी ये मेडिसिन आपने? तब इस्तेमाल नहीं करनी अगर आपको लीवर से रिलेटेड मसला हो। तो ऐसे जो मरीज़ हैं जिनको जिगर की बीमारी हो, हेपेटिक लीवर डिजीज़ हो, वो कभी इसको इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में जो इसका इस्तेमाल है वो डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक है। तो ये थी हमारी वीडियो जो कि एजिथ्रोमाइसिन।